सो गाइस, आज मैं इस चैनल पर वेंसडे सीरीज को स्टार्ट करने जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये सीरीज बेहद पसंद आएगी और आप जल्द ही इस वीडियो का 10K लाइक भी पूरा कर देंगे। इस कहानी की शुरुआत में हम वेंसडे नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि स्कूल में होती है। वो आम लोगों से थोड़ी अलग होती है क्योंकि हमेशा लोगों से मरने और मारने की बातें करती थी। इस वजह से कोई भी उसे पसंद नहीं करता और सब उसे चुड़ैल बुलाकर उसका मजाक बनाते थे। वेंसडे स्कूल में जब अपने कबर से स्कूल बैग लेने जाती है तो देखती है कि उसका भाई पक्सली अलमारी में बंद है और उसके हाथ पैर भी बंधे हुए हैं। वेंसडे उसके हाथ पैर खोलकर उससे पूछती है कि मुझे उनके नाम बताओ जिन्होंने तुम्हारे साथ ये सब किया है। पक्सली कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो कौन थे और रोने लगता है। वेंसडे उसे कहती है कि अपने इमोशन दिखाना हमारी कमजोरी है और उसे रोने से मना करती है। और जब वेंसडे पक्सली के हाथ लगाती है तो उसे कुछ विजन आते हैं जिसमें उसे वो लोग दिखाई देते हैं जिन्होंने पक्सली को परेशान किया था, मगर वो विजन के बारे में अपने भाई को नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वेंसडे उन लड़कों के पास जाती है जिन्होंने उसके भाई को परेशान किया था। सभी लड़के पुल में नहा रहे थे तभी वो वेंसडे को देख कर कहते हैं कि चुड़ैल तुम यहाँ क्यों आई हो, ये प्राइवेट प्रैक्टिस है। रिप्लाई में वेंसडे कहती है कि मेरे भाई को परेशान करने का हक सिर्फ मेरा है और वो पुल में पिराना फिश को डाल देती है। ये देख कर सभी लड़के पुल से भागने लगते हैं, मगर डाल्टन नाम का एक लड़का भाग नहीं पाता और उसके प्राइवेट पार्ट को पिराना काट लेती है। वेंसडे अपने भाई का बदला लेकर काफी खुश होती है, मगर उसकी इस हरकत की वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। फिर अब हम देखते हैं कि वेंसडे के मॉम डैड उसे नेवर मोर एकेडमी में ले जाते हैं क्योंकि वहाँ सभी आउटकास्ट के बच्चे पढ़ा करते थे। रास्ते में वेंसडे के मॉम डैड उसे बताते हैं कि तुम्हें नेवर मोर से प्यार हो जाएगा क्योंकि स्कूल तुम्हारे लिए परफेक्ट है। तुम पहली बार ऐसे लोगों से मिलोगी जो तुम्हें समझ पाएंगे और क्या पता तुम्हारे कुछ दोस्त भी बन जाए। वेंसडे के डैड उसे बताते हैं कि नेवर मोर स्कूल बाकी बोर्डिंग स्कूल की तरह नहीं है, वो एक जादुई जगह है जहाँ मैं तुम्हारी माँ से मिला और हमें प्यार हो गया। वेंसडे कहती है कि मुझे आपकी तरह डार्क प्रोम की क्वीन और सियास सोसाइटी की प्रेसिडेंट बनने का कोई शौक नहीं है, मुझे आप दोनों को देखकर उल्टियां आती है क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स पसंद नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो नेवरमोर स्कूल के पास वाले जंगल में हाइकिंग करने आता है, मगर उसे वहाँ जाने के लिए टैक्सी ड्राइवर मना करती है क्योंकि वो रास्ता नेवरमोर के पास से होकर गुजरता है, मगर उसकी बात नहीं सुनता और जंगल में चला जाता है जहाँ उसे कोई डीमन मार देता है। अगले सीन में वेंसडे अपनी फैमिली के साथ नेवरमोर स्कूल में पहुँच जाते हैं। वहाँ की प्रिंसिपल विमस वेंसडे के रिकॉर्ड देखकर उसे कहती है कि तुमने पिछले 5 सालों में 8 स्कूल को बदला है। तो वेंसडे कहती है कि ऐसा कोई स्कूल नहीं बना जो मुझे रोक सके और ये स्कूल भी बाकी स्कूल की तरह ही निकलेगा। विमस उसे बताती है कि नेवर मोर में 20 टर्म में हम किसी को एडमिशन नहीं देते, मगर तुम्हारे मार्क्स और तुम्हारी माँ मेरी रूममेट थी और इस रिश्ते को देखते हुए मैंने बोर्ड मेंबर से बात की और वो हमारी बात मान गए। तो मोटेशिया जो वेंसडे की माँ है वो विमस से कहती है कि तुम बता सकती हो कि इसके थेरेपी सेशन का क्या होगा क्योंकि एक कोर्ट का ऑर्डर है। विमस बताती है कि जेरिको की एक थेरेपिस्ट हमारे स्कूल से जुड़ी है, वेंसडे उनसे हफ्ते में 2 बार मिल सकती है और वेंसडे मोटेशिया की पुरानी डोम ऑफेलिया हॉल में रहेगी। ये सुनकर मोटेशिया काफी खुश होती है। फिर वो वेंसडे को उसका रूम दिखाने ले जाती है जो कि काफी रंगीन था। वहाँ एक लड़की होती है जिसका नाम इनेट था। वो वेंसडे को देख कर पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, शक्ल से तुम बीमार लग रही हो। तो वेंसडे के डैड गोमेज एडम कहते हैं कि हमेशा जिंदा लाश की तरह दिखाई देती है। इनेट वेंसडे से गले मिलने लगती है मगर वेंसडे उसे गले नहीं लगाती। विमस इनेट से कहती है कि वेंसडे को रजिस्ट्रार के ऑफिस ले जाओ, वहाँ से इसे यूनिफॉर्म के साथ इसका शेड्यूल और साथ ही इसे स्कूल का टूर भी करा देना। इनेट वेंसडे को अपने साथ ले जाती है और उसे बताती है कि नेवर मोर 1791 में हम जैसे आउटकास्ट बच्चों के लिए बनाया गया था। तो वेंसडे उसे कहती है कि मैं यहाँ ज्यादा दिनों तक नहीं रुकूंगी, यहाँ लाने का मेरे पेरेंट्स का आइडिया था। और वो अपनी मॉम की दीवार पर लगी एक पिक्चर को दिखाते हुए कहती है कि वो मुझे कब से यहाँ भेजने का बहाना ढूंढ रहे थे ताकि मुझे अपने जैसा बना सके और ये मेरी मॉम की चाल का एक हिस्सा है मुझे उनके जैसा बनाने का। इनेट वेंसडे को नेवर मोर के 4 फेमस क्लिक्वेज ग्रुप के बारे में बताती है जो कि फेंग्स, फर्स, स्टोनर्स और स्केलर्स है। ये अपनों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और दूसरे लोगों को पसंद नहीं करते। इनमें से कुछ 10 साल से भी ज्यादा से यहाँ रह रहे हैं और वेंसडे को फर्स को दिखाकर कहती है कि ये वेयरवुल्फ है जैसे कि मैं हूँ।
हूँ। पूर्णिमा की रात यहाँ काफी शोर होता है क्योंकि सारे फर्श जोर से गरजते हैं। इनेड उसे एक लड़की बियंका बाकरले को बताकर कहती है कि नेवर मोर की एकलौती हस्ती है, मगर इसका ताज आजकल फिसल रहा है। ये जेवियर थोरपे को डेट करती थी, पर इस सेमेस्टर के स्टार्टिंग में इनका ब्रेकअप हो गया। तभी इनेड के पास एजेक्स नाम का एक लड़का आता है और उसे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी न्यू रूममेट ह्यूमन फ्लेश खाती है, तुम उससे बचकर रहना। तो वेंसडे उसे कहती है कि तुमने गलत सुना है, मैं अपने शिकार की बोटियां काटकर अपने पालतू जानवर को खिलाती हूँ। इनेड एजेक्स को बताती है कि मेरी रूम पार्टनर है और एजेक्स को वहाँ से भेजकर वेंसडे को जल्दी से सोशल मीडिया पर आने को कहती है। वेंसडे रिप्लाई में कहती है कि मुझे सोशल मीडिया आत्मा को सड़ाने वाली बीमारी लगती है, ये कहकर वहाँ से चली जाती है। स्कूल टूर के बाद वेंसडे अपने मॉम डैड के पास जाती है तो एडम उसे कहते हैं कि तुम्हें इस ड्रेस में देखकर मेरी पुरानी यादें ताजा हो गई। वेंसडे अपने भाई से कहती है कि तुम बहुत कमजोर हो, तुम मेरे बिना 2 महीने से ज्यादा दिन नहीं रह पाओगे। मोटेशिया वेंसडे से कहती है कि यहाँ से भागने का अगर तुम्हारा कोई इरादा है तो तुम उसे भूल जाओ, मैंने हर फैमिली मेंबर से कह दिया है कि अगर उन्हें तुम्हारा साया भी दिखे तो मुझे खबर करें, तुम यहाँ से भागकर नहीं जा सकती। तो वेंसडे कहती है कि आपका अंदाजा पहले की तरह गलत है, मैं इस टीनेज जेल खाने से जल्दी भाग जाऊंगी और हम अब दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। मोटेशिया कहती है कि तुम्हें जल्दी ही नेवरमोर से प्यार हो जाएगा, मेरी तरह तुम्हारी भी जिंदगी बदल जाएगी। और उसे एक लॉकेट देकर कहती है इसे ऑब्सीडियन से बनाया था जिससे एस्टेक दिव्य दृष्टि पैदा करते हैं, और कहती है कि हमारे रिश्ते की निशानी है। मगर वेंसडे को लॉकेट पसंद नहीं आता और अपनी मॉम से कहती है कि मैं आप जैसी नहीं हूँ, ना ही मुझे प्यार होगा, ना ही मैं हाउसवाइफ बनकर घर बसाऊंगी। मोटेशिया उसे क्रिस्टल बॉल देकर कहती है कि पहले एक हफ्ते तक हम तुमसे बात नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ का रूल है, ये कहकर वहाँ से चली जाती है। जाते समय एडम वेंसडे पर नजर रखने के लिए थिंक नाम के एक हाथ को छोड़ देते हैं। वहीं जंगल में पुलिस को हाइकर की लाश मिलती है जिसके खूनी ने टुकड़े कर दिए थे। गेलपिन जो कि पुलिस इंस्पेक्टर है, उसकी साथी ऑफिसर उन्हें बताती है कि एक केस पिछले हफ्ते की दोनों प्रोफाइल को मैच करता है। गेलपिन उसे कहते हैं कि वार्निंग जारी करो, हाइकर्स को जंगल से बाहर रखो, आने वाले दिनों में किसी को भी कैंप फायर की परमिशन मत देना और प्रेस से कहना कि एक कत्ल भालू ने किया है। मगर मैं जानता हूँ कि एक कत्ल भालू ने नहीं किया और न ही किसी इंसान ने, मैं जानता हूँ कि एक कत्ल नेवरमोर से जुड़े हुए हैं, मगर जब तक मैं इस बात को साबित नहीं कर सकता ये काम किसी भालू का है, हम यही कहते रहेंगे। अगले सीन में वेंसडे विंडो पर लगे कलर को खोल देती है क्योंकि उसे कलर पसंद नहीं थे। इनेड उसे कहती है कि तुमने मेरे रूम की क्या हालत कर दी, तो वेंसडे कहती है कि मैंने हमारे कमरे को बांट दिया और अब तुम चुप रहो तो ये अच्छा है क्योंकि मेरे नोबल लिखने का टाइम है और तुम भी शायद ऐसा करती तो तुम्हारे ब्लॉग सुधर जाते। इनेड उसे कहती है कि मैं ब्लॉग अपनी आवाज में लिखती हूँ, ये मेरे फॉलोअर्स को पसंद है, और म्यूजिक चलाकर डांस करने लगती है। वेंसडे उसे गाना बंद करने को कहती है। इनेड अपने पंजों को निकाल कर वेंसडे को कहती है कि तुम मुझसे पंगा मत लो, मैं इन्हें चलाने में माहिर हूँ। तभी वहाँ मिस थोर्नील आती है जो कि वेंसडे की डॉग मॉम होती है। वो वेंसडे से कहती है कि सॉरी मैं तुमसे आते ही नहीं मिल पाई, पर मुझे यकीन है कि इनेड ने तुम्हारा ध्यान रखा होगा। तो वेंसडे उन्हें बताती है कि इसने मेरा इतना ज्यादा ख्याल रखा है कि मेरा दम घुट रहा है और मैं भी इसे ऐसा एहसास कराऊंगी जब ये सो रही होगी। थोर्नील वेंसडे को अपनी कंसर्वेटरी की तरफ से एक फूल गिफ्ट देकर उसे कहती है कि मैं हर लड़की को एक सही फूल से मैच करने की कोशिश करती हूँ, और जब मैंने तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म पढ़ा तो मुझे बस ब्लैक डोलिया फूल का ही ख्याल आया। फिर वो वेंसडे को वहाँ के कुछ रूल बताती है। वेंसडे उसे पूछती है कि मुझे पास के शहर जाना हो तो। थोर्नील बताती है कि जेरी को जाने की छूट एक अनुमति है, इसीलिए यहाँ से एक 25 मिनट की वॉक है या वीकेंड पर बस जाती है। मगर लोकल लोग नेवरमोर को शक की नजर से देखते हैं, तो वहाँ जाकर कोई गड़बड़ मत करना, और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह वेंसडे बियंका के पास जाती है और उसे अपने साथ फेंसिंग गेम खेलने के लिए चैलेंज करती है। बियंका उसे कहती है कि अच्छा तुम वही साइकोपैथ हो जो अभी अभी आई हो। तो वेंसडे उसे कहती है कि मैंने सुना है कि तुम खुद को क्वीन बी समझती हो, पर तुम्हें पता है अगर बी के डंग निकाल दिए जाए तो वही मर जाती है। यह सुनकर बियंका उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है और वो दोनों आपस में खेलने लगती है। पहला पॉइंट वेंसडे को मिलता है, मगर बियंका स्कोर को बराबर कर लेती है और वेंसडे से कहती है कि वो पहला पॉइंट तो बस बिगिनर्स लक का था, क्या अब इस खेल को खत्म करें। वेंसडे को उसे कहती है कि आखिरी राउंड में मैं मिलिट्री नियमों से खेलना चाहूंगी, ना
मास्क, नई टिप्स, अब खून करेगा जीत का फैसला। ये सुनकर सभी काफी हैरान होते हैं। कोच बियंका से कहते हैं कि फैसला तुम्हारा है, तो बियंका भी मिलिट्री नियमों से खेलने के लिए मान जाती है और दोनों फिर से खेलने लगती है। मगर बियंका के वार से वेंसडे के सर पर खून निकल जाता है और वो हार जाती है। वेंसडे जब अपना ट्रीटमेंट करा रही थी, तब रोहन नाम का लड़का उसे कहता है कि तुम वेंसडे हो, और उसके सर पर लगी चोट के लिए उसे माफी मांगता है क्योंकि बियंका ने पहले रोहन को हराया था। रोहन का बदला लेने के लिए वेंसडे ने बियंका को चैलेंज किया और उसे चोट लग गई। वेंसडे कहती है कि यार अच्छे काम की सजा मिलती है और वहाँ से चली जाती है। वेंसडे जब वहाँ से जा रही होती है, तभी उसके ऊपर एक गार्गोयल गिरता है, मगर थोर्प उसे बचा लेता है। लेकिन वेंसडे बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है, तो थोर्प से कहती है कि मुझे बस इतना याद है कि वहाँ से निकलते वक्त मुझे खुद पर गुस्सा, तरस और घिन आ रही थी, और मुझे ऐसा पहले कभी नहीं लगा। तो थोर्प कहता है कि बियंका से हार कर लोगों पर ऐसा ही असर होता है, क्योंकि वो अभी बियंका से प्यार करता था मगर अब उसका ब्रेकअप हो गया था। वेंसडे उसे पूछती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। थोर्प कहता है कि वो मेरा फर्ज था। तो वेंसडे उसे कहती है कि हर मर्द की तरह मुझे भी ये लगा कि तुम्हारे इस काम की वजह से मैं जिंदगी भर तुम्हारी आभारी रहूंगी, मगर ऐसा नहीं है। तुम्हें मुझे बचाने की जरूरत नहीं थी, मैं खुद को बचा सकती थी। थोर्प कहता है कि मैं खुश हूँ कि तुम बिल्कुल नहीं बदली, बस तुम ये समझ लो कि मैंने तुम्हारा एहसान चुकाया है। तुम्हें शायद याद नहीं, मगर मेरी गॉड मदर का फ्यूनरल था, वो तुम्हारी ग्रैंड मदर की फ्रेंड थी। तब हम दोनों बस 10 साल के थे और बोर हो रहे थे, हम लुका छुपी खेलने लगे, तो मैं उनकी कैक्टस में छुप गया। उनके क्रेमिटोरियम के समय मैं अंदर ही था और तुमने रेड स्टॉप बटन को दबाकर मुझे चलने से बचा लिया, और मैंने अब तुम्हें बचाकर हिसाब बराबर कर दिया। फिर जब वेंसडे अपनी नोबल लिख रही थी, तभी उसे कुछ आवाज आती है, और जब वो बेड पर देखती है तो उसे थिंग दिखाई देता है, जिसे पकड़कर वेंसडे कहती है कि मुझे तुम्हारे फेवरेट लोशन की वजह से पता चल गया कि तुम यहाँ हो, और उसे टेबल के ऊपर रखती है और उसे कहती है कि मॉम और डैड ने तुम्हें मेरी जासूसी करने भेजा है, और अगर उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा तो यह उनकी गलत फहमी है। मेरे पेरेंट्स को मेरी चिंता नहीं है। अब से तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, पहला तो मैं तुम्हें इस सेमेस्टर तक इस डोर में बंद रखूं, या फिर तुम मेरे साथ रहकर मेरा साथ दो यहाँ से भागने के लिए। थिंग उसकी बात मान लेता है। वही विमस वेंसडे को जेरिको के थेरेपिस्ट डॉक्टर किनबोर्ड के पास लाती है और वेंसडे से कहती है कि डॉक्टर का ऑफिस दूसरे माले में है, उनसे मिलने के बाद हम आइसक्रीम खा सकते हैं। वेंसडे उसे कहती है कि आप मेरे पास आने की कोशिश ना करें। विमस कहती है कि मुझे यकीन है कि तुम हर बार की तरह यहाँ से भागना चाहोगी, मगर मैं ये होने नहीं दूंगी। वेंसडे कहती है कि देखते हैं कौन जीतता है, और वो डॉक्टर के पास चली जाती है। किनबोर्ड वेंसडे से कहती है कि एक सेफ जगह है, हम यहाँ हर एक चीज के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे कि तुम्हारी सोच, नजरिया या फिर तुम्हारी पर्सनल फिलोसफी। वेंसडे कहती है कि मुझे ये सब समय की बर्बादी लगती है, मुझे बस किसी तरह दुनिया को झेलना है, और मेरी पर्सनल फिलोसफी मारो या मरो है। तो किनबोर्ड कहती है कि तुमने पुल में पिराना डालकर एक लड़के पर हमला किया जिसका तुम्हें कोई पछतावा नहीं है, इसीलिए तुम यहाँ हो। रिप्लाई में वेंसडे कहती है कि उसने एक टेस्टिकल खो दिया है और मैंने करके दुनिया पर एहसान किया, क्योंकि डाल्टन जैसे लोगों की नस्लें बढ़नी नहीं चाहिए, और वहाँ से जाने लगती है। किनबोर्ड कहती है कि सेशन अभी बाकी है, सेशन में जो भी बात होगी वो यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। क्या तुम एक ऑथर बनना चाहती हो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुमने टीनेज लड़की पर 3 किताबें लिखी है, क्या उसके लिए तुम्हें कोई पब्लिशर मिला। वेंसडे बताती है कि एडिटर हमेशा अपनी तंग सोच और डर में जीते हैं। एक ने मेरी राइटिंग को बेतुका और मनुष्य कहा, और ये भी कहा कि मैं अपने दिमाग का इलाज कराऊं। किनबोर्ड पूछती है कि फिर तुमने क्या किया। तो वेंसडे बताती है कि मैंने उन्हें थैंक्स गिफ्ट भेजा, जिसमें मैंने चूहे पकड़ने का पिंजरा भेजा था, जिसमें हाथ आने की वजह से एडिटर को चोट लग गई। किनबोर्ड कहती है कि वेंसडे हमें इस सेशन में कुछ ऐसी बातें करनी होगी जो तुम्हारे लिए तकलीफ दे होगी। वेंसडे कहती है कि मुझे ट्रेवल पसंद नहीं है, और टॉयलेट चली जाती है। वहाँ वो थिंग की मदद से खिड़की से कूदकर वहाँ से भागने लगती है। तभी वो एक आदमी से टकराती है और उसे विजन आता है कि आगे जाकर उस आदमी का एक्सीडेंट होने वाला है और वो मर जाएगा, मगर उसे इस बारे में कुछ नहीं बताती। फिर वो एक कैफे में चली जाती है जहाँ वो टायलर नाम के एक लड़के से मिलती है। वेंसडे उसे कहती है कि मुझे इस प्रेशो के 4 शॉट चाहिए, एक इमरजेंसी है, और वो टायलर से पूछती है कि तुम्हारी मशीन को क्या हुआ। तो टायलर बताता है कि खराब हो गई है और उसे ठीक करने के इंस्ट्रक्शन भी इटालियन में है। वेंसडे को इटालियन आती थी। वो टायलर से कहती है कि मैं तुम्हारी कॉफी मशीन को ठीक करूंगी और तुम मेरे लिए कॉफी बनाओगे और एक टैक्सी बुलाओगे।
लिए। टायलर कहता है कि यहाँ जेरिको में टैक्सी नहीं होती तो उबर बुलाऊं। वेंसडे कहती है कि मेरे पास मोबाइल नहीं है और मैं टेक्नोलॉजी की हथकड़ियाँ नहीं पहनती, तो यहाँ से जाने के लिए कोई ट्रेन है? टायलर बताता है कि यहाँ सबसे नजदीक बुलिंगटन स्टेशन है, मगर वहाँ जाने में आधा घंटा लगेगा। वेंसडे उसकी मशीन ठीक कर देती है तो टायलर उसे कहता है कि तुम्हारी इस मदद के बदले मैं ही तुम्हें बुलिंगटन छोड़ देता हूँ, मगर मेरी शिफ्ट खत्म होने में एक घंटा है। वेंसडे उसे पैसे देती है मगर टायलर पैसे नहीं लेता और उसे कहता है कि मैं बिकाऊ नहीं हूँ, या तो तुम वेट करो या किसी और को ढूंढ लो। ये सुनकर वेंसडे उसका वेट करने लगती है। तभी कुछ लड़के आकर वेंसडे को परेशान करते हैं तो वेंसडे सभी को खूब मारती है। तभी वहाँ टायलर के डैड गेलपिन वहाँ पर आ जाते हैं। वो पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, तो टायलर बताता है कि ये लोग इसे छेड़ रहे थे तो इसने सभी को सबक सिखा दिया। तभी वहाँ विमस भी आ जाती है। वो गेलपिन से कहती है कि हमें माफ कीजिएगा, ये छुपकर यहाँ आ गई। गेलपिन वेंसडे को देखकर कहते हैं कि तुम एडमस हो, कहीं तुम्हारा बाप गोमेज एडम तो नहीं? उसे तो मर्डर के लिए जेल में होना चाहिए, मैं तुम पर कड़ी नजर रखूंगा। विमस वेंसडे को लेकर वहाँ से चली जाती है। वेंसडे विमस से पूछती है कि वो मेरे डेड वाली बात क्या थी। विमस कहती है कि उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तभी विमस देखती है कि आगे एक एक्सीडेंट हुआ है और वो दुआ करती है कि बस ड्राइवर से बच गया हो। तो वेंसडे कहती है कि उसकी गर्दन टूट गई, वो मर गया है। विमस उससे पूछती है कि तुम्हें यहाँ से कैसे पता चला, और जब वो देखती है तो सच में उसकी गर्दन टूटी हुई थी। ये वही ड्राइवर था जिसकी मौत का विजन वेंसडे को आया था। वही निवर मोर में आने के बाद वेंसडे एक धुन बजाती है जो कि सभी लोगों को काफी पसंद आती है। तभी नेट वेंसडे के पास आती है और वो थिंग को देखकर पूछती है कि इसका बाकी का हिस्सा कहाँ है। वेंसडे कहती है कि ये भी एडमस फैमिली का एक बड़ा रहस्य है, और वो इनेट से पूछती है कि तुम अपने वुल्फ अवतार में क्यों नहीं हो। इनेट कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर पाती, मैं बस अपने पंजे के नाखून निकाल सकती हूँ, और हो सकता है कि मैं हमेशा ऐसी रहूं, फिर मैं एक लोन वॉल बन जाऊंगी। वेंसडे कहती है कि ये तो बहुत बढ़िया है। तो इनेट कहती है कि तुम पागल हो, मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी और तुम जानती हो कि मुझे फैमिली से निकाल देंगे, मुझे कोई पार्टनर भी नहीं मिलेगा और मुझे अकेले ही मरना होगा। वेंसडे कहती है कि इसमें उदास होने वाली क्या बात है, सब अकेले ही मरते हैं। ये सुनकर इनेट रोने लगती है। वेंसडे उसे बताती है कि जब मैं 6 साल की थी मैं अपने पालतू स्कॉर्पियन नीरो को घुमाने निकलती थी, तब 2 लड़कों ने मुझे पकड़कर रखा था और बाकी लड़के नीरो को जब तक उछलते रहे जब तक कि वो मर नहीं गया। उसे दफन करते समय बर्फ गिर रही थी और उस दिन मैं खूब रोई, पर उस दिन के बाद मैं कभी नहीं रोई। वहीं दूसरी तरफ थिंग टायलर के घर चला जाता है। टायलर उसे देखकर डंडे से मारने की कोशिश करता है, मगर थिंग उसके हाथ से डंडा लेकर फेंक देता है और उसे फोन देकर अपने हाथ पर लिखे वेंसडे के नाम और नंबर दिखाकर वेंसडे को कॉल करने को कहता है। टायलर वेंसडे को कॉल करता है। वेंसडे उसे कहती है कि वो थिंक है और क्या अब भी तुम मेरी मदद करना चाहोगे। टायलर कहता है कि आखिर तुमने टेक्नोलॉजी की हथकड़ियाँ पहनी ली। वेंसडे कहती है कि ये मेरी मजबूरी थी, मगर इस वीकेंड हार्वेस्ट फेस्टिवल में उसकी अटेंडेंस जरूरी है, मैं वहीं से भाग जाऊंगी, और अगर तुम मुझे स्टेशन तक पहुंचाने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें कुछ अच्छा इनाम दूंगी। टायलर कहता है कि मैं तुम्हें स्टेशन पर पहुंचा दूंगा, मगर मैं इनाम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे भी यहाँ से भागना था, मगर तुम यहाँ से भाग रही हो, इससे मैं भी खुश हूँ। अगले दिन हार्वेस्ट फेस्टिवल में टायलर वेंसडे को लेने आता है, मगर विमस अपनी पूरी नजर वेंसडे पर जमाई हुई थी। वेंसडे एक शो पर जाकर वहाँ लगे सारे बलून्स को फोड़ने लगती है, तभी उसके पास थोर पाता है। वेंसडे उसे कहती है कि मैं यहाँ किसी का इंतजार कर रही हूँ। तभी टायलर भी वहाँ जाता है, उसे देखकर थोर वहाँ से चला जाता है। टायलर वेंसडे से कहता है कि इस काम को करना इतना आसान नहीं है, मेरे डैड ने मुझे देर रात तक बाहर रहने से मना किया है, मुझे समय पर घर पहुंचना है तो हमें अभी निकलना होगा। वेंसडे कहती है कि फायरवर्क शुरू होते ही मुझे पार्किंग लॉट में मिलना। टायलर वहाँ से चला जाता है। शॉपकीपर वेंसडे को जीता हुआ पांडा देता है क्योंकि उसने सारे बलून फोड़ दिए थे। वेंसडे उसे कहती है कि इसकी जरूरत मुझे नहीं है, इसे तुम विमस को दो, और उनका ध्यान भटकाने के लिए उसे कुछ पैसे भी देती है। शॉपकीपर विमस को पांडा ले जाकर देता है। तभी विमस पांडा को देखने लगती है और इस बीच वेंसडे वहाँ से चली जाती है। वहीं वेंसडे पार्किंग लॉट में जाती है। टायलर उसे एडम की पुलिस फाइल देता है जब वो नेवर मोर में थे, और वो दोनों जाने लगते हैं, मगर तभी वहाँ वो लड़के आते हैं जिनसे वेंसडे ने कैफे में लड़ाई करी थी। टायलर वेंसडे से कहता है कि हमें भीड़ में नहीं ढूंढ पाएंगे, और वहाँ से भागने लगते हैं। तभी रोहन वेंसडे से टकराता है और उसे फिर से रोहन की मौत का विजन आता है। वेंसडे देखकर उसे
रोकने की कोशिश करती है। रोहन उससे कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो और तुम क्या चाहती हो। तो वेंसडे उसे कहती है कि सब एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, मगर तुम अभी खतरे में हो। रोहन हंसता है और वेंसडे से कहता है कि तुम्हारी गलतफहमी है और उसे पेड़ पर अपने पावर से टांग कर कहता है कि मैं तुम्हारी जान लेकर सबको बचा रहा हूँ। वेंसडे कहती है कि इसका मतलब गार्ग्योल मेरे ऊपर तुमने ही गिराया था, और उसे किताब का एक पेज दिखाता है जो कि उसने लाइब्रेरी की एक किताब से फाड़ा था, और वेंसडे को बताता है कि इसमें जो लड़की है वो तुम हो। वेंसडे उसे कहती है कि एक तस्वीर की वजह से तुम मुझे मार डालोगे। रोहन कहता है कि तस्वीर मेरी माँ ने 25 साल पहले बनाई थी जब वो नेवर मोर में पढ़ती थी। वो एक बहुत ही अच्छी दूत थी, ये उन्होंने मुझे मरने से पहले बताया, और मेरी माँ ने कहा था कि इस लड़की को रोकना मेरे हाथों में लिखा है, क्योंकि वो नेवर मोर आते ही सबको तबाह कर देगी। और उसे मारने की कोशिश करता है, तभी वहाँ एक राक्षस आता है जो रोहन को मारकर वहाँ से भाग जाता है। वेंसडे रोहन के पास जाती है और उस पेज को देखती है, फिर उसे घर लाकर अपने डेट की पुलिस फाइल के साथ मैच करने की कोशिश करती है। तभी क्रिस्टल में वेंसडे के मोम डेट उसे बात करते हैं, क्योंकि वेंसडे को अब नेवर मोर में एक हफ्ता हो गया था। वो वेंसडे से पूछते है कि नेवर मोर में तुम्हारा पहला हफ्ता कैसा रहा। वेंसडे बताती है कि मैं 2 बार मरते मरते बची हूँ। मुझे पता चला कि मेरे डेड एक खूनी है और ये कि मैं स्कूल को तबाह कर सकती हूँ, और खोखार राक्षस ने मेरी जान बचाई। मुझे लगता है कि यहाँ अब बहुत मजा आएगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।